If you are from members in inoperative accounts. In 2011 to 2014, the UPA government, which could not do the interstate, should be this thing, madam. And I am also happy to inform, madam, that so far, the very important initiative which we have taken is universal account number. This universal account number, totally we have given number of the workers, 6 crore, 78 lakh workers, we have given this universal account number. And we have activated 2 crore 58 lakhs. And other thing is, the penal provision and attachment of a bank and any defaulter is there, that will proceed, madam, and prosecution also will be there. Under any violation of Contravention of Act, definitely the Contravention of Act prosecution will take place. Prahlad Patel ji. बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी. सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगा कि वास्तव में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के बाद में जो लूट होती थी वो रुक गई. जो ठेकेदार के नाम पर नंबर होता था और कभी उसको मजदूर को पैसा नहीं मिलता था, उसका भी रास्ता निकल गया. समस्याएं आती हैं जब असंगठित क्षेत्र का मजदूर भिन्न जगह पर काम करता है और जब वो ऑफिशियल तरीके से नहीं जाता तो क्लेम उसके बनते हैं. मंत्री जी ने जवाब दिया है, मैं उनको सबसे धन्यवाद देता हूं. लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि ईपीएफ नए नंबर की जब बात आती है, जब कोई असंगठित मजदूर किसी क्षेत्र में काम करने जाता है, तो जिस प्रकार से आपने ऑनलाइन सारी व्यवस्था की है, पेंशन 99% लोगों को पहुंच रही है, लेकिन यदि कोई गाँव से चलने वाला मजदूर किसी के झांसे में आकर जाकर जब काम करने लगता है, तो क्या उसके बारे में भी कोई, अगर वो अपना नंबर चाहता है तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन या कोई ऐसी निगरानी तंत्र सरकार के पास है क्या? मैडम, अभी तक मैंने जो बताया है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये देश में करीब करीब 93% आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. एंड द गवर्नमेंट हैज गिवन द प्रायोरिटी फॉर द फर्स्ट फेज इन द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. ऑल दीज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स now we have made into the organized force. Now they will be given all universal account number and the social security benefits, of EPFO and ESIC. And other important, madam, recently we have taken a decision on pilot project we have started for auto rickshaws and rickshaw pullers in Delhi. We are going to start this pilot project in Hyderabad. We are also starting this pilot project. Third is unorganized workers. There are scheme workers, that is Anganwadi workers, and number two, Anganwadi workers and midday meal workers and ASHA workers. And in, we are going to take and that one also, madam. And regarding his thing, this already I have informed you that the help desk is there with UAN. Help desk is there, and through that 122 officers, all of our field officers, we have connected, and all redressal grievance system we have put in place. Thank you. Question number 202, Sri Vishnu Padare. Adhyaksha Mahodaya, main sabse pehle bahut saal baad mein question number 202. Bilkul. पहले 202 आप पूछिए, बोलिए. आज आपका दिन है. सही बात है, अंडमान निकोबार का दिवस है. अंडमान निकोबार. बहुत साल बाद में यूपी 1 और 2 सरकार देखा और नया शिक्षा मंत्री देखा स्मृति ईरानी जी को. ऐसी भारत माँ को बेटी इस सरकार में चुन के दिया है. मैं इसलिए सिर्फ बहाना नहीं कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं. 2008 और 2009 में आपके लिए, कांग्रेस के लिए सैंक्शन हुआ पॉलिटेक्निक. आप बोलिए बोलिए. ऐसा सैंक्शन हुआ पॉलिटेक्निक 2008 और 2009 में जी. मैं बहुत बार चिल्लाया, गिरगिराया, कुछ नहीं किया. मंत्री बनी स्मृति ईरानी जी ने, अंडमान निकोबार का 2 पॉलिटेक्निक का चर्चा चल रहा है, अनुग्रह करने जा रहा है. अब उसको सॉल्व करा रहा हूं. भारत सरकार का चिंतन था जो जिला में नवोदय नहीं नवोदय खोलना. 2007 साल में सरकार में थे, 95 हुआ
नवोदय खोलेंगे रविंद्र नगर में, लिटिल अंडमान में। 7 से बीत गया सरकार यूपी 1 और 2, कुछ भी नहीं किया था। हमारा मंत्री बनी, आग्रह किया जी, पूछिए। और आज मैं ये पूछना करना चाहता हूं सामने में, जो 8 साल 5 साल नहीं किया गया, मैंने पहला सवाल जो उन्होंने जवाब दिया था, 163 प्रपोजल आया 26 राज्यों से, उसमें क्या दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट का विलिंगनेस, लैंड देना, बिल्डिंग बना के देना, टेम्पररी कंस्ट्रक्शन देना। मैंने पहला सवाल अंडमान निकोबार का साउथ नवा नवोदय खोलने के लिए आग्रह करता है मंत्री जी से, हमारा प्रपोजल कब सैंक्शन करेंगे? माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि हाल ही में वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ये प्रस्तावित किया कि करीबन 62 ऐसे जिले हैं हमारे देश में जहां नवोदय विद्यालय स्थापित आज तक नहीं हो पाए हैं। उनके आर्थिक प्रस्ताव और समर्थन के बाद अब मैं सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नचित्त हूं कि इस साल हम 62 डिस्ट्रिक्ट्स में नवोदय विद्यालय खोलने की अब क्षमता रखते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार भी सम्मिलित। अब तो कोई सप्लीमेंट्री नहीं, अभी मेरा कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। बहुत बड़ी बात हुई कि सप्लीमेंट्री भी नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। नवोदय विद्यालयों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए छात्रों को शिक्षा के अच्छे अवसर प्राप्त हुए हैं। गरीब परिवारों के वो बच्चे जो शहरों में जाकर महंगे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको नवोदय विद्यालय के माध्यम से आगे बढ़ने का काफी स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय अभी केवल जिला केंद्रों पर बनाए गए हैं, क्या ब्लॉक स्तर पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करके और अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को इस योजना से जोड़े जाने की कोई योजना बनाएंगे? महोदय, जो पॉलिसी हमारी है उसके अनुसार इस डिस्ट्रिक्ट 1 नवोदय विद्यालय खोलने की पॉलिसी है। फिलहाल इससे अतिरिक्त कोई विद्यालय खोलने की पॉलिसी नहीं है। इनका जवाब दे महोदय, बैठिए। ठीक है, अधीर रंजन जी। मैडम, केंद्रीय विद्यालय की मांग दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। हमें एमपी होने के नाते एक केंद्रीय विद्यालय में 10 रिकमेंडेशन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की मांग आ रहे हैं उसमें हमें लगता है कि ये 10 को और बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय में हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं चलता, तो जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में हमारा रिकमेंडेशन चलता, वैसा क्या नवोदय विद्यालय में हमारा रिकमेंडेशन मंजूर करने की कोई मौका हमें नहीं मिलेगा? दूसरी बात मैडम हो गया, बस आज खाली है, इसलिए मैं आज बहुत सारे लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं। नो, यस, दैट्स इट ओनली, प्लीज। नो 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 नो, मैं आदरणीय आपके माध्यम से महोदया अधीर जी को बताना चाहती हूँ। अधीरदा, नवोदय विद्यालय ते सबाई एंट्रेंस एग्जाम दिए भर्ती है, ओखाने कोनो रेकमेंडेशन चले ना, मतलब कि नवोदय विद्यालय में सारे ही बच्चे जो एडमिशन चाहते हैं उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है मेरिट के आधार पे। ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो सबसे गरीब तबके से हैं और विशेषता आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में से, और जो हमारे डाउनट्रॉडन कम्युनिटीज़ हैं उनसे इंगेज करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि मेरिट का ये एग्जाम पास करके उसके आधार पर उन्हें नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिलता है। जहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय की इन्होंने चर्चा की, केंद्रीय विद्यालय में जो अफसर तैनात होते हैं उस इलाके में उनके बच्चों को, प्रदेश की सरकार में जो काम करते हैं अफसर उनके बच्चों को, आर्मी और जो हमारे पर्सनल पोस्टेड होते हैं उनके बच्चों को क्रमशः प्रायोरिटी वाइज एडमिशन मिलता है। आदरणीय सांसदों को पहले 6 कूपन मिलते थे ताकि वो 6 बच्चों का नाम प्रस्तावित करें, इस सरकार ने पहली बार उसको बढ़ाकर 10 किया है।
ये पहला वर्ष है जब सभी सांसद 10-10 छात्रों का प्रस्ताव भेज रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि कई बार सांसद कुछ ऐसे विद्यार्थियों का नाम भी लेकर आते हैं जो उनके लोकसभा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो किसी पीड़ित परिवार से हैं अथवा बहुत ही गरीब अवस्था में जी रहे हैं। तो ऐसे प्रस्तावों को भी मैं स्वयं स्वीकार करती हूँ, एज केंद्रीय विद्यालय चेयरपर्सन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ वो, और उसको बोर्ड फिर प्रस्ताव को स्वीकार करता है। इससे ज़्यादा इस वक्त कैपेसिटी बढ़ाना मुझे लगता है अनुचित होगा महोदया, क्योंकि जो बच्चे वर्तमान में उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनको अथवा अफसरों के और डिफेंस पर्सनल के बच्चों को इससे वंचित हम लोग ना रखें, उनकी पूरी दरकार को पूरा करें पहले, ये सरकार का भी प्रयास रहता है। लेकिन समन्वय के माध्यम से न्याय हर विद्यार्थी के साथ करने का हमारा प्रयास रहता है। वैजयंत पांडा जी। मैडम, आई थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हर कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई ऑन द क्वेश्चन। Even otherwise, she has been responsive to the problems of Kendra Vidyalayas. My question is regarding Navodaya Vidyalayas. Madam, in today's environment, where both the central and the state governments are promoting many model schools to address the problems of primary and secondary education in their states, Navodaya Vidyalayas have been a model for many decades, particularly in the residential model where teachers stay there. I would like to bring to her attention the many problems being faced in Navodaya Vidyalayas on two counts. One is the infrastructure is getting old, they need renovation, and the teachers do not get the same facilities which the new model schools and charter schools are proposed to get. In fact, I myself have forwarded to the ministry the complaints of certain Navodaya teachers regarding their facilities, regarding pension, and I would urge the Honorable Minister to take steps to take corrective steps to bring the Navodaya facilities for teachers and the infrastructure on the same basis as what the new proposals are coming up, because they have served this country very well for the last many decades. Madam Speaker, through you, I'd like to thank the Honourable Member for highlighting various challenges that have gripped Navodaya Vidyalayas, or for that matter, even Kendriya Vidyalayas, in terms of infrastructure which is old and needs added impetus and help from the Government of India. Let me also highlight through you, Madam Speaker, to the Honourable Member, that both in Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya, through the main regional offices, we have also directed them to map the infrastructural needs of schools across the country so that adequate benefit and monetary support can be given for them so that they can enhance their infrastructural capabilities. There are many honorable MPs who time and again approach us for increasing capacity in terms of classes or sections in Kendriya Vidyalayas, which is also something that given adequate finances we try and support. Insofar as the facilities to be given to Navodaya Vidyalaya teachers, this is an issue that has been raised not only by the Honourable Member of Parliament but many parliamentarians with regards to the pensions that they get. And I have in my responses to them highlighted that they were given an option to pick before a new pension initiative was undertaken within the Navodaya fraternity. And those who made an option, took a choice, today possibly in hindsight wanted to retract and go back and have the government revisit it, which is currently not a possibility financially. I have adequately responded to not only every other MP but also the Honourable MP who has highlighted this particular introspection in his communication to me. Daddan Mishra ji. Daddan ji, main aapke madhyam se maniya mantri ji se janna chahta hu ki purv mein sthapit पुराने नवोदय विद्यालयों में क्या मानक के अनुरूप भवन निर्माण होकर के कक्षाओं का संचालन हो रहा है? माननीय अध्यक्ष, हमारा सीधा सवाल अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। हमारे संसदीय क्षेत्र के दोनों जनपदों के नवोदय विद्यालयों में मानक के अनुरूप भवन न होने की वजह से सिर्फ आधी सीटों पर एडमिशन हो रहे हैं। हमारे यहाँ सरावस्ती में 40 सीटों पर एडमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है 40 बच्चों का एडमिशन हो पा रहा है। इसके अलावा इंटरमीडिएट की क्लास भी नहीं चल पा रही, हाईस्कूल पास करने के बाद बच्चों को
बैरिकेड करना पड़ता है। इसी तरह से बलरामपुर में जो है इंटरमीडिएट की क्लासेस तो चल रही है लेकिन वहाँ भी जो है मात्र 40 एडमिशन हो रहे हैं। तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो है मतलब गरीबों के लिए है विद्यालय, तो अगर मानक के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण हो जाए तो 40 और गरीब बच्चों का भला हो सकता है। तो माननीय मंत्री से मेरा सवाल है कि हमारे संसदीय क्षेत्र के दोनों श्रावस्ती और बलरामपुर के नवोदय विद्यालयों का मानक के अनुरूप भवन निर्माण होकर के कक्षाओं का संचालन कब तक करेंगे? माननीय महोदय, जैसे कि मैंने पूर्व के प्रश्न के उत्तर में भी सदन को अवगत कराया कि हम नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आर्थिक सहायता केंद्र की ओर से विधिवत पहुंचा रहे हैं। एक पूरा मैपिंग होने के बाद कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार है उसके आधार पर अब तक भारत सरकार 50 करोड़ फाइनेंस मुहैया करवा चुकी है। किंतु मैं ये भी कहना चाहूँगी क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसीलिए जिन जिन क्षेत्रों में हमारे पास वर्तमान में टेम्प्ररी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे प्रदेश की सरकार से जो टेम्प्ररी फैसिलिटी उपलब्ध होती है उसी के आधार पर कक्षाएं चलाई जाती हैं। फैसिलिटी के अभाव में अगर ज़्यादा कक्षाएँ चलाने का प्रयास करेंगे तो छात्रों को ही असुविधा होगी, और इसीलिए एक संतुलित व्यवहार हो रहा है उन सब स्कूलों में जहाँ पर इस वक्त टेम्प्रेरी फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि आदरणीय सांसद ने अपने क्षेत्र की जिन चिंताओं से मुझे अवगत कराया उनके क्षेत्र में वर्तमान कंस्ट्रक्शन अंडर वे है। 203 श्री हेमंत गोडसे, नॉट मिनिस्टर। 203 रिस्पॉन्स इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। हरीश द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मेरा प्रश्न माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से है, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, सन 2009 में इंडियन आर्मी और इग्नू के बीच में एक एमओयू हुआ था जिसके अंतर्गत ज्ञानदीप स्कीम के नाम से साइन हुआ था, लेकिन 2012 में इसे रोक दिया गया जिसकी वजह से कई सैनिकों की डिग्री रोक दी गई जबकि उन्होंने कोर्स पूरा कर लिया था। ये सैनिक जो इनके इतने दिनों से सफ़र कर रहे हैं इनके लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया? दूसरा माननीय एक बस माननीय मानव संसाधन मंत्री जी को, मैं बस्ती ज़िले से हूँ, एक मैंने मांग की थी, माननीय मंत्री जी ने उसको पूरा किया। बस्ती में बहुत समस्या थी एडमिशन की, हमारे यहाँ जो सेंट्रल स्कूल है उसको दो पाली में चलाने का निर्णय लिया है माननीय मंत्री जी ने, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, ये सत्य है कि इग्नू और इंडियन आर्मी के बीच में 4 सितंबर 2009 को एक एमओयू साइन किया गया था जिसके आधार पर जो इन सर्विस ट्रेनिंग इंडियन आर्म फोर्सेस के सैनिकों को उपलब्ध कराई जा रही थी उसको पैरामीटर ले डाउन करने का अधिकार और एक समन्वय इग्नू ने किया था। ये भी सत्य है कि साल 2012 31 मई को इस कार्यक्रम को रोकने का अचानक ही एक निर्णय लिया गया जिसकी वजह से सेना के कई जवानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि एयर चीफ मार्शल और एयर चीफ आर्मी चीफ दलबीर सिंह जी ने मुझे इस समस्या से अवगत कराया और बताया कि लगभग 4 लाख इंडियन आर्मी के जवानों को इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और कोर्स पूरा करने के बावजूद भी उनको उनकी डिग्री उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। हमने इग्नू से बातचीत कर हस्तक्षेप किया और ज्ञानदीप जो आर्मी के लिए चलता था उसके अंतर्गत लगभग उस वक्त 6 महीने के अंतराल में ही 3 लाख लगभग 75,000 आर्मी के जवानों को उनको उनकी डिग्रीज दिलवाई, और साथ ही एयरफोर्स के लिए आकाशदीप कार्यक्रम चलता था और हमारे पास कंप्लेंट आई थी 49,000 एयरफोर्स ऑफिशियल्स की, उन सब 49,000 एयरफोर्स ऑफिशियल्स को उनका सर्टिफिकेट दिलाने का काम भारत सरकार ने किया। वेरी गुड, रत्ना डे। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। वी ऑफन कम अक्रॉस द न्यूज आइटम्स अबाउट द ओपन एंड डिस्टेंस इंस्टीट्यूशंस बी इट ऑफर ऑफ प्रोग्राम्स और रनिंग प्रोग्राम्स। Sir, Madam, I would like to know from the Honorable Minister, has any review been undertaken about the utility and benefits accrued due to open and distant learning institution? If yes, the details thereof.
Thank you, madam. Madam, a review of any program is a continuous process because we are taking cognizance of the fact that the IGNOU Act had given the powers to IGNOU to not only provide distance education but also act as a regulator. But in 2014, before this government came into power, the previous government had taken a decision of delinking the regulatory authority of IGNOU and passing it on to the UGC instead. And currently, open distance learning is regulated by the UGC. 20% of all our students in the higher education segment procure or obtain their education through open distance learning. There have been challenges in the sector wherein state universities that give the authority to institutions to function with regards to open distance learning found that many institutions were crossing the geographical boundaries of the state, thereby bringing students who are outside the geographical boundaries of the state into positions of challenges. States, in conjunction with the regulator, have taken appropriate action so that students are in no way inconvenienced. Madam, we are also taking cognizance of the fact that regulations with regards to ODL, which is the acronym for Open Distance Learning, also need some introspection, and currently, in conjunction with the UGC, we are introspecting on the same. Rajesh Ranjan ji, short question. Bharat ki shiksha ki jo sthiti hai vishv mein bahut hi nichle podan par aur hum maniye mohdiya ji se hum janna chahenge ki duniya mein education mafia education ka jo private education hai wo विश्व में सबसे ज़्यादा भारत को उसका केंद्र बिंदु बना दिया गया है. कोटा में आत्महत्या लगातार, एजुकेशन संस्थाओं में आत्महत्या. डिस्टेंट एजुकेशन पे पूछो जी. उसी पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लगातार जो आप एक तरफ शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने की बात करते हैं, नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, हम बिहार से पटना विश्वविद्यालय के बारे में जानना चाहेंगे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की जो आपकी मांग है. पटना विश्वविद्यालय को क्या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ क्या आप कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन के लिए कहीं आप आगे प्रयास कर रहे हैं ताकि आम जो आपकी जो भावना है वंचित और शुद्ध और कमजोर तबकों को अधिक से अधिक एजुकेशन मिले. क्या कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन की कोई राय है आपकी ताकि आम आदमी को एजुकेशन मिले? मैडम स्पीकर, आपके माध्यम से आदरणीय सांसद की चिंता, क्योंकि वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी संक्षेप में उसका उत्तर देना चाहूँगी. सर्वप्रथम ये कहना कि भारत में शिक्षा विश्व में सबसे निचले पायदान पर चल रही है, ये उचित नहीं होगा. हमारे यहाँ कई विद्यार्थी हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तीर्ण हो रहे हैं, कई एकेडमिशियंस हैं, शिक्षक हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ और उनके काम के साथ भी न्याय करना और उन्हें सम्मान देना उचित होगा. जहाँ तक कि विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमने विश्वविद्यालय की दृष्टि से विक्रमशिला की चर्चा की है, हमने विश्वविद्यालय की दृष्टि से गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की है, बिहार में IIM की स्थापना की हमारी ओर से पहल हुई है. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी माननीय महोदय आपके माध्यम से पूरे सदन को कि हम ये भी जानते हैं कि आज दरकार है तो हमारे करिकुलम को अपग्रेड करने की दरकार है उच्च शिक्षा के संदर्भ में. हाल ही में हमने MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से चर्चा की है जो हमारी सारी NITs के करिकुलम डेवलपमेंट में और उसको बेहतर करने में अपना योगदान देगी. भारत सरकार स्टैनफोर्ड के साथ भी चर्चा कर रही है ताकि AICT के माध्यम से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में हमारे आउटकम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से आंका जाए और बेहतर किया जाए उस पर चर्चा हो रही है, जिसके माध्यम से 31 लाख इंजीनियरिंग के छात्रों को बेनिफिट होगा. मैं ये भी कहना चाहूँगी माननीय महोदय आपके माध्यम से, क्योंकि प्रश्न डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित है, तो हम ODL को टेक्नोलॉजी से लेवरेज करते हुए स्वयं नाम का एक कार्यक्रम इसी एकेडमिक वर्ष में शुरू करने वाले हैं, जिसके माध्यम से ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, NITs और कुछ ऐसी भी प्राइवेट संस्थान हैं जो राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके माध्यम से डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और कुछ हद तक एक सेमेस्टर हम सभी लगभग 500 कोर्सेज इस वर्ष शुरू करने की क्षमता रखते हैं 10 भारतीय भाषाओं में. और यह सारा ज्ञान इस पोर्टल पर और
और मोबाइल ऐप पे ये सारी संस्थाएं मुफ्त में हमारे छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयास से जिस प्रकार की क्रांति की आप अपेक्षा कर रहे हैं उस पर हम सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 204, श्री एम के राघवन, नॉट देयर। श्री पिनाकी मिश्रा जी, नॉट देयर। मिस्टर मिनिस्टर, the statement is laid on the house floor. Sorry, 204. Yes, I am okay, standing okay, on behalf sorry, of Dharmendra yes, Pradhan yes, ji. Yes, your name is there. Kirit Somaiya ji. माननीय अध्यक्ष महोदया, जो कुल मिलाकर 31 लाख कनेक्शन लगे उसमें से आधे गुजरात शहर में है। मैं मंत्री महोदया से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुंबई शहर का टोटल टारगेट 15 लाख 15 लाख है, अभी तक 8.62 लाख लगे हैं। दो बार मंत्री महोदय ने मीटिंग ली थी तो मेरा प्रश्न व सुझाव यह है कि एक मुंबई का ये जो टारगेट है, वास्तव में पाइपलाइन गैस के कारण एक होता है सब्सिडी एबोलिश हो जाती है क्योंकि पाइपलाइन गैस में सब्सिडी नहीं है, तो क्या ये गति बढ़ाकर मुंबई का 15 लाख का टारगेट आने वाले 2-5 साल में पूरा किया जाएगा? और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए मंत्री महोदय ने यह सुझाव सीरियसली लेने का हमें कहा था कि जैसे दूसरे डिपार्टमेंट की सांसद के नेतृत्व में एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, इस प्रकार की कमेटी बनाई जा सकती है क्या? मैडम स्पीकर, द ऑनरेबल मेंबर इज क्वाइट राइट इन सेइंग दैट फॉर मुंबई 8,62,299 कनेक्शंस ऑफ पीएनजी फॉर डोमेस्टिक यूज हैज बीन गिवन, एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट फॉर गुजरात इट इज ऑफ अ हायर ऑर्डर। It's also because of the efforts of the state governments which lay the pipeline through private partnership or otherwise, yes. The connectivity gets increased and greater provision through the city distribution network can happen. And the suggestion that the honorable member has given about monitoring it better, I'm sure the ministry has a mechanism through which the monitoring happens in conjunction and cooperation with the state governments. Konda Vishwanath Reddy. Thank you, madam. Madam, under the present system for development of city gas distribution network, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, under the 2006 Act, grants authorization to entities for developing the network in specified geographical areas of the country. Therefore, if a state has more geographical areas, the network will be better. Telangana currently has 1, as opposed to Andhra Pradesh 5, and Gujarat 22, madam. Telangana is many cities. The one in Telangana is only in Hyderabad. Many cities like Khammam, Warangal, Vikarabad, etc. So my question to the minister, madam, what is the basis of deciding the number of and the location of GAs in a particular state? And does the ministry have any plan to increase the number of GAs in the newly formed state of Telangana to cover cities like Khammam, Vikarabad, and Warangal? Thank you, madam.